बिहम्दिल्लाह ताला रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है और अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े और तुफ़ैल आज जो हम रमज़ान देख रहे हैं नामूसे रिसालत की हिफाजत करते हुए अज़ीमुश्शान धरने में शामिल होकर अभी नमाज़े तरावी मरकज़ रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही यहाँ जहाँ धरना है वहाँ नमाज़े तरावी अदा की जाएगी, जिसकी इमामत साहबजादा वाला शान हज़रत अनस मियां इमामत फरमाएंगे। इसी अंदाज पर जहाँ जहाँ धरने पाकिस्तान भर में जारी हैं नमाज तरावी का अहतमाम करें और सहरी और अफ्तारी का भी अहतमाम हो। मुसलमानों, ये बात याद रखो कि हिंदू किसान कई महीनों तक अपनी दुनिया के लिए धरना देकर बैठ सकता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस के लिए बैठने वाले कभी पीछे नहीं हट सकते। और हमारे कायदे मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें यही दर्स दिया है कि ये गर्दनें हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हाजिर हैं, हम इसी अज़्म के साथ जिए और मेरा रब हमें इसी पर साबित कदमी नसीब फरमा दे कि मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात याद रखें कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करना था, गुस्ताखों से इंतकाम लेना था, इस वजह से ये सब कुछ किया गया है और आज हमारे कारकुनों को शहीद किया जा रहा है। रमज़ान का चांद नज़र आने के बावजूद भी स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर आई होती है और ये तमाम का कातिल कहला रहा है। होश के नाखून लेने चाहिए शेख रशीद को और इन तमाम नामूसे रिसालत के गद्दारों को, और महबूब अलैहिस्सलाम से इश्क व वफा के तकाजों को पूरा करने के लिए जो धरनों में बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह इस्तेकामत के साथ ये धरने जारी रहेंगे। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक।